और चलिए एक बड़ी और अहम जानकारी के साथ शुरुआत करते हैं। बता दें आपको बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अब खत्म हो चुकी है। तो बड़ी और अहम जानकारी, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल हुए। यूपी में उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन किया गया है। अब यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो रही है, तो लगातार ताबड़तोड़ बैठकें की जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और गठबंधन सहयोगियों के साथ मंथन किया जा रहा है टिकट बंटवारे को लेकर। ये बड़ी और अहम जानकारी, आपको बता दें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। यूपी में उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन किया जा रहा है लगातार बीजेपी की ओर से। अब यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की भी बैठक हो रही है। गठबंधन सहयोगियों की सीटों पर दरअसल चर्चा की जा रही है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है, बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई। और स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी इस खबर पर और बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। स्पर्श, बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक हुई है भारतीय जनता पार्टी की यूपी में चुनावों को लेकर, क्या कुछ अपडेट? वैसे ही अपने तमाम दर्शकों को जान रहे थे कि सीटों के आसपास जो चर्चा है वो आज की बैठक में जो है होती हुई नजर आ सकती है। बयान के चुनाव समिति के बाद 112 सीटों पर जो चर्चा है वो आज जो है आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारे को लेकर होती नजर आई है। यानी जनता भी लगातार अपने तमाम दर्शकों को एकदम खबर जो है दिखा रहा था। ऐसे में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रसाद मौर्य ने साफ कहा है कि पिछली बार से अच्छी मार्जिन के जनता पार्टी जो है जीतती हुई नजर आएगी। 3 दिन से लगातार बैठकों का दौर जारी देखने को मिल रहा है। जो है केंद्रीय चुनाव समिति के बैठक में जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वो शिरकत करते हुए नजर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ। ऐसे में 172 सीटों को लेकर जो है फिलहाल आज की बैठक में जो है चर्चा है, और अब जो है कभी भी भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची जो है जारी होती हुई नजर आ सकती है। यानी स्पर्श, माना ये जा सकता है कि आज पहली लिस्ट जारी की जा सकती है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जिस तरह से लगातार ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं। आज जारी होगी या फिर कल जारी होगी, इसके लिए जो है इंतजार जी बीजेपी की जो प्रक्रिया होती है, सबसे पहले गुजराती और उसके बाद जाता है उसको केंद्रीय चुनाव समिति रखा जाता है। इसमें जो प्रक्रिया उसके तहत केंद्रीय चुनाव समिति हो गई है, और अब जो है बीजेपी कभी भी जो है लिस्ट जारी करती हुई नजर आ सकती है। शुक्रिया स्पर्श, इस तमाम जानकारी के लिए, लगातार आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक हुई है विधानसभा चुनावों को लेकर, बीजेपी की ओर से टिकट को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है, और अब यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो रही है, और उम्मीद यही है कि कभी भी पहली लिस्ट जारी की जा सकती है बीजेपी की ओर से।